वास्तुशास्त्र में हर एक समस्या का निदान बनाया गया है। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार हर एक वस्तु में ऊर्जा होती है, लेकिन कौन सी वस्तुओं में हिंदू धर्म में जिस तरह से सकारात्मक ऊर्जा को माना जाता है, ठीक वैसे ही नकारात्मक ऊर्जा को भी उतना ही माना जाता है। इसलिए भी वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो इन नकारात्मक ऊर्जा के दुष्प्रभाव को दूर करने में मदद करता है, जैसे कि नींबू मिर्ची का टोटका, जो कि व्यक्ति को काला जादू टोटका या फिर नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखने में मदद करता है। ऐसे में जाने नींबू मिर्ची के सही प्रयोग किन टोटकों और बुरी नजर से बचा जा सकता है, जहाँ कैसे इसको प्रयोग किया जा सकता है, यह बात इस पर भी निर्भर करती है। जैसे नींबू मिर्ची के टोटके को यदि सही तरीके से प्रयोग ना किया जाए तो जो जी का जंजाल भी बन सकती है। नींबू मिर्ची के टोटके को वास्तुशास्त्र ने भी माना है। घर या दुकान के बाहर नींबू मिर्ची का टोटका बड़ा ही काम का आता है। इसके लिए काले धागे में नींबू के साथ 3 या 5 या फिर 7 मिर्ची को लगाना होता है, लेकिन इस बात का ख्याल ध्यान रखें कि नींबू की प्लेसिंग कभी भी ऊपर की ओर नहीं होनी चाहिए। नींबू को हमेशा बीच या फिर सबसे नीचे रखें। एक और बात का ध्यान रखें कि इन्हें काले धागे में ही बांधना होगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार नींबू मिर्ची को हमेशा मुख्य द्वार के बीचों बीच टांगना चाहिए, ताकि आते जाते लोगों की नजर इस पर पड़े। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा।